एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता, और उन्हें कुनी काजू की अभिनेत्री रही हैं, उनसे बात की है दुख के इस मौके पर, सुनते हैं उन्हें। श्रीदेवी को भावभीनी श्रद्धांजलि देकर आई हैं कुनिका जी। कुनिका जी, बॉलीवुड की चांदनी कहा जाता था, लेकिन एक बहुत बड़ा सदमा देखे गए। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा सदमा है, और मैंने उनके साथ चार फिल्में की हैं, चंद्रमुखी, मेरी बीवी का जवाब नहीं, गुमराह और हीर रांझा। तो मैंने कुछ अच्छा खासा वक्त उनके साथ गुजारा है। वो बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी, लेकिन मेरे साथ उनका एक बहुत ही प्रिय और वार्म संबंध था एकदम। और वो ऐसी थी कि कहीं भी किसी फंक्शन में मुझे देखती भी थी तो खुद वहाँ से मेरा नाम लेके पुकारती थी। तो शी वाज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। सो आई, इट्स रियली शॉकिंग एंड आई हैव नो वर्ड्स टू। बहुत सारी यादें भी होंगी, भावुक भी आप हो रही हैं। अभी जब उनको इस तरह से देखा, एक श्रीदेवी के लिए कहा जाता था कि लाइवली, बबली, और आई एम एक्चुअली, अगर आज आप जाके देखें उनको तो उनके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो कुछ बोलना चाह रही हैं। शी इज, हर माउथ इज ओपन एंड शी इज गॉट दैट लिटिल बिट ऑफ अ स्माइल ऑन हर फेस, एंड इट्स रियली, आई रियली फील दैट शी जस्ट अभी भी वो कुछ कहना चाह रही है। शी इज जस्ट 1 year सीनियर टू मी इन एज, एंड आई कॉन्ट बिलीव दैट समबडी सो फिट एंड सो, मतलब इतनी अपने आप का ध्यान रखने वाली, इतनी पूरी तरह से कंप्लीट एक वुमन थी वो। आई कॉन्ट बिलीव दिस थिंग कैन हैपन टू। लेकिन आपने उनके साथ कई फिल्में भी की हैं, एक वक्त कई लंबे लंबे आउटडोर किए हैं। गुमराह में तो हमने बाकायदा पूरा फाइट सीक्वेंस किया है, जो आठ मिनट का पूरा फाइट सीक्वेंस था, उसके लिए मैंने बाकायदा ट्रेनिंग किया। यस जौहर जी बोल रहे थे, भाई मेरी हीरोइन ही था, तुम फाइट करो। इट वॉज अ वेरी टफ फाइट, एंड आई रिमेंबर आई टू गो टू ट्रेन, एंड व्हेन आई फॉट विथ हर इन दिस ऑन द स्क्रीन, शी वाज सो गुड, एंड मैं तो ट्रेन थी, बट आई डोंट नो व्हेदर शी हैड टेकन एनी ट्रेनिंग, बट द फाइट टर्न्ड आउट सो ब्यूटीफुल। इट वाज अ मेमोरेबल 8 minute फाइट ऑन द स्क्रीन। अभी जब आपने उनको इस तरह से देखा, कुछ दिनों पहले ही शादी के फंक्शन में गई थी, आज जिस तरह से देखा, आज भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आज भी उनका चेहरा बोल रहा है जैसे हमेशा से बोलता था, और उनकी आंखें बंद हैं, तो वो आंखें जो उनकी बोलती थी वो, बट शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल एंड आई जस्ट प्रे दैट हर सोल गेट्स पीस। कुछ देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी हमेशा के लिए, बस यादों में। आई थिंक लाइक एन आइकॉनिक फिगर लाइक मैरिलिन मोनरो इन हॉलीवुड, आई थिंक श्रीदेवी विल नेवर बी फॉरगॉटन। श्रीदेवी एक है, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता, ये है कुनिका, जिन्होंने कई फिल्में भी उनके साथ की हैं, काफ़ी भावुक भी हो रही हैं, समझा जा सकता है। एक ऐसी क्षति जिसको शायद जो है कहीं से जिसकी कोई पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि श्रीदेवी एक ऐसा नाम है जिनके चाहने वाले हजारों हैं, हजारों लोग यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा है उनकी आँखें नम हैं। तो देखा आपने, जिन्होंने उनके साथ काम किया है क्या हाल है, कुनिका की आंखों से आंसू आ रहे हैं, लेकिन वो लोग जो लोग अंदर पहुंच के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, कैसी दिख रही थी श्रीदेवी? जैसा मैंने आपको कहा कि उन्होंने लाल कपड़े पहने, मतलब उनका सर ढका हुआ है, सुहागन के रूप में है, और उनकी जो लिपस्टिक लगा हुआ है लाल कलर का, होंठ थोड़े खुले हुए हैं, थोड़ी मन सी मुस्कुराहट है, ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो कुछ बोलना चाह रही हैं। और सचमुच उनको बहुत लंबा सफ़र और तय करना था, पता नहीं भगवान को अच्छे लोगों को उठाने का क्या शौक है। सुहागन की तरह उनके मांग सिंदूर लगा हुआ है या चूड़ियां, कुछ ऐसा नहीं दिया तो ऑब्वियसली, लेकिन सुहागन की तरह है वो एकदम। और उनकी बॉडी के आसपास कौन कौन अभी वहां पर मौजूद, उनके परिवार वाले सब लोग? बहुत ही सिस्टमेटिकली सब कर रहे हैं जी। और सबको दर्शन का बाकायदा प्रॉपर मौका मिल रहा है, श्रद्धांजलि और फूल अर्पण करने का मौका मिल रहा है। बहुत ही अच्छा अरेंज किया, इतने दुखद समय में भी इन्होंने इतने अच्छे अरेंजमेंट किए, तो बहुत बढ़िया। उनकी बेटियां उनके साथ में, क्योंकि बहुत जुड़ी हुई थी अपनी बेटियों से, उनकी बेटियां उनके साथ में, बहुत ही बॉनी जी, उनकी बेटियां, अर्जुन कपूर, सब लोग साथ में, सोनम है साथ में, और वो बहुत ही मतलब बेटियां तो, और बॉनी जी तो इनकंसोलेबल हैं, यू कैन सी दैट दे जस्ट टोटली फॉलन, यू नो, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमें इतना दुख हो रहा है, हमारे दिल में ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, इतना दुख है। तो आई कैन इमेजिन व्हाट दे गोइंग थ्रू। ये वो लोग हैं जिन्होंने श्रीदेवी जी के साथ काम किया है, जिन्होंने उनके अंतिम दर्शन किए हैं, एक सुहागन की तरह ऐसा लग रहा है कि अभी बोल पड़ेंगी, लाल लिपस्टिक लगाए हुए हैं, और ये वो लोग हैं जो उनको अंतिम श्रद्धांजलि देकर के आए हैं। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़ मुंबई।
तो श्रीदेवी जितनी खूबसूरत जिंदा दिल, वैसी ही खूबसूरती उनकी इस आखिरी विदाई में भी। एबीपी न्यूज़ भी अंदर पहुंचा है अपनी श्रद्धांजलि देने और हर तस्वीर हर बात इसकी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।